वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे थे उस साइंस की जो कि वालदैन को सीखने की बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेशंस हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में, उसका कतई तौर पर मकसद नहीं होता कि आपको डराना है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे कर ले, बट ऑल दो सॉल्यूशंस आर ऑल हेयर। हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। डॉक्टर नुमान, चूँकि हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि पेरेंट्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब कोई बड़ा कोई गलत काम करता है तो हम कहते हैं कि ये बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, लेकिन जब बच्चा गलत काम करता है तो हम कहते हैं यू नॉट ट्राई टू बिहेव, लाइक इसको सेंसिबल होना चाहिए। तो ये जो बच्चों से एक्सपेक्टेशंस माँ बाप ने, पेरेंट्स ने, हमने इतनी हाई कर ली है, ये बच्चों को कितना ज़हनी तौर पर बीमार कर देता है। जी, इसका बहुत बड़ा एक रोल है उस चीज़ के अंदर कि बच्चे का जो ट्रस्ट है आपके साथ वो डेवलप नहीं होता, कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है बच्चे का और उसकी सेल्फ इस्टीम और ईगो बड़ी हद तक मुतासर होती है। अक्सर कहा जाता है कि एक्सपेक्टेशन, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बेस्ट जज हैं अपने बच्चे की एबिलिटी के। कुछ बच्चों में एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, कुछ में उतनी एबिलिटीज़ नहीं होती। इसीलिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट एबिलिटी या चाइल्ड विद डिफरेंट एबिलिटीज़। इशू ये होता है कि हम जब हर चीज़ को या हर किसी को एक ही स्टिक से, एक ही यार्ड स्टिक से मेजर करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि जब एक बच्चा कोप ही नहीं कर पा रहा उसके ऊपर जितना प्रेशर डाला जाएगा वो प्रेशर के अंदर क्रम्बल कर जाएगा, बेयर नहीं कर सकेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। वो इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल हम ऐसे देते हैं कि अगर एक पेरेंट के दो बच्चे हैं और एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में और दूसरा ज़रा वीक है पढ़ने में, जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में हो सकता है उसको आप जब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्योंकि हर चीज़ पहली दफ़ा में कर रहे हैं तो आप उनकी तरफ एक लविंग और केयरिंग एटीट्यूड रखें, लेकिन जो दूसरा बच्चा है जो उतना अच्छा नहीं है पढ़ने में, वो ज़रा सा अगर कोई फंबल करता है तो हम फौरन गुस्से वाली कैफियत में आ जाते हैं या उसको डांट देते हैं। अब उस डांटने का इम्पैक्ट आपको फौरन नज़र आता है उस बच्चे के ऊपर, उसका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है और वही चीज़ जो पहले वो आराम से याद कर रहा था अब उसको याद करने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो ये तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया कि जो प्रेशर से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से उसके ज़ाहरी बात है इसी तरह के, वो आपका एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप जब नहीं बनेगा बच्चे के साथ तो ज़ाहरी बात है अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर नहीं करेगा। प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करेगा तो वो आप उनका सलूशन ही निकलेगा, और जब सलूशन ही निकलेगा तो हम इरिटेबल एज पेरेंट्स होते रहेंगे कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को क्यों नहीं ये पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं डायग्नोस नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, वो प्रॉब्लम कॉज भी हमने की होती है। हरमीत पाजी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी पाजी। जी, डॉक्टर साहब, हम आजकल के बच्चों को अगर हम देखें, एक तरफ तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हमें याद है कि बचपन में हमें रूखी सूखी भी पकड़ा देते, हम खा ही लेते हैं, लेकिन आजकल बच्चों को मायम देखते मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो ये जो डिमांड हो गई है मोबाइल थमाने की, ये कितनी नुकसानदेह। और दूसरी बात ये मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि बच्चे जो हैं, जो आपने अब फरमाया कि एक बच्चे के साथ हमारा रवैया जो है अलग होता है, दूसरे के साथ अलग होता है, कहीं ना कहीं हमें कुछ बच्चे ज़िद्दी बन के वो आ जाते हैं, तो फिर क्या मुस्तकबिल में भी ये जो ज़िद्द है, ये जो कुछ कट्टरपन है, ये इसी तरह फिर बरकरार रहता है, या कुछ इसको अगर सेट करना है बचपन में ठीक करना है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये, खासतौर पे आज के लिहाज से। जिस तरह आपने बात की कि हम स्टार्ट से ही एक रवैया है कि जी बच्चा रो रहा है फ़ोन पकड़ा दें हाथ में, बच्चा खाना नहीं खा रहा फ़ोन पकड़ा दें हाथ में, अब वो उससे शॉर्ट टर्म तो गेन अचीव हो जाता है आपका कि जी वो बच्चा खामोश भी हो जाएगा, खाना भी खा लेगा, काम भी कर लेगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड रिसर्चेज ये शो करती हैं कि अगर किसी बच्चे का या इवन एडल्ट्स का 3 से 4 घंटे से ज़्यादा दिन का स्क्रीन टाइम है तो उनके अंदर फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं लाइट एक्सपोजर टू द ब्रेन के साथ। ठीक है, वो जितना ज़्यादा होगा उसके चांसेस बढ़ते रहेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये देखना है, अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं अपने बच्चों को लेके कि ये बहुत इरिटेबल है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिड़चिड़ापन है, या ये बात नहीं मानते। जब डिटेल में प्रोब किया जाता है उस चीज़ को तो हमें पता लगता है कि वो बच्चा वो रवैया अपने सराउंडिंग से अखज़ कर रहा है, कि घर में जो है वो कोई ना कोई शख्स ऐसा है, या पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो वो वहाँ पर कोई ना कोई लोग इस तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं या गुस्सा करते हैं। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है जिसको बहुत कॉमनली ओवरलुक कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जो स्कूल से रिलेटेड है वो बुलिंग है, कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है और उसी की उम्र के बच्चे या उससे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग बच्चे जब उसको बुली करते हैं, वो वर्बल फॉर्म में हो या फिज़िकल फॉर्म में हो, तो बच्चे के अंदर इरिटेबल बिहेवियर्स आ जाते हैं।
और इस चीज़ को ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहा जाता है। तो बड़े सिंपली कि अगर हम जॉब्स कर रहे हैं तो हमारे बॉस ने अगर हमें डांट दिया तो हम घर आके किसी को डांटेंगे, वो आगे से किसी को डांटेगा और वो आगे से किसी को डांटेगा। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ ऐड कर लें, डांटने की आपने बात की, जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात भी की। अब ज़्यादातर बच्चों पर गुस्सा दूसरों का निकलता है, मतलब अगर आप जॉइंट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उस फैमिली में जहाँ पर सास का गुस्सा है, नंद का गुस्सा है, तो वो गुस्सा कहाँ पर निकलेगा? बच्चे पे। और बाजू को तो बच्चे को मारा इसलिए जा रहा होता है, मतलब कहते हैं ना पंजाबी में किसी के सर चढ़ के मार रहे हैं, तो बच्चे को मारा जा रहा होता है। क्या आपको लगता है कि मार से और डांट से बच्चे को वो चीज़ सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं उसे कन्वे करने की? कतन नहीं। डांट से और मार से आप जो बिहेवियर अचीव करना चाह रहे होते हैं एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है बच्चा। उसमें डिफाइंस भी आ जाती है, उसमें एग्रेशन भी आ जाता है, उसमें वायलेंस भी आ जाती है। और ये देखा गया, बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है कि आजकल जो रिसर्चेज हो रही हैं वो पनिशमेंट का तो बिल्कुल ही उन्होंने डिनाई कर दिया ना कि ये तो बिहेवियर यूज़ ही नहीं करना चाहिए बच्चों के डिसिप्लिन करने के लिए। एक चीज़ जो कॉमनली यूज़ की जाती है उसको कहते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन या बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, कि बच्चों को दो तरीके हैं उनको जो रवैया आप चाहते हैं वो सिखाने का। उसमें एक चीज़ है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, दूसरी चीज़ है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। वो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या है कि बच्चे ने काम अच्छा किया, आप उसको कोई चीज़ प्रॉमिस कर दें, उसको कोई टॉय ले दें, कोई चीज़ ले दें, उसकी पसंद की किसी जगह पर ले जाएं ताकि उसका वो रवैया री इन्फोर्स हो जाए कि जी मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो बदले में मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरी चीज़ है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, कि कई दफ़ा हमने देखा जहाँ पर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट नहीं काम कर रही होती तो बच्चों का रवैया नहीं बेहतर हो रहा होता या वो पढ़ाई में नहीं अच्छे हो रहे होते, तो हम कहते हैं कि फिर नेगेटिव री इन्फोर्समेंट यूज़ कर लें। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट क्या है कि अगर एक डिज़ायर्ड बिहेवियर अचीव नहीं किया या एक डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला बच्चे की तरफ से तो उसके कुछ नहीं सख्ती नहीं उसका कुछ पर्क्स विदड्रॉ कर लें। मसलन उसका गेम टाइम शॉर्ट कर दें, ठीक है, खेल का टाइम शॉर्ट कर दें, बाहर ले जाने का टाइम शॉर्ट कर दें। और हम क्या करते हैं? हम उल्ट काम करते हैं, हम पाबंदी लगा देते हैं। एग्जैक्टली, हम पाबंदी लगा देते हैं, हम गुस्सा करते हैं और उसकी वजह से वो डिफाइंस आ जाती है बच्चे के बिहेवियर में। अब तीसरा जो आपका क्वेश्चन का पार्ट था कि जी क्या आगे चल कर ये रवैया ठीक हो सकते हैं, तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग पर्सनैलिटी इंसान की अमूमन 18 से 20 साल की उम्र में बन जाती है, जिस तरह की भी है। अब साइकोलॉजिकली स्पीकिंग वो पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती 18-20 साल के बाद। माइनर ट्वीक्स एंड मॉडिफिकेशंस उनके अंदर किए जा सकते हैं लेकिन वो भी बड़े रेयरली होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के जो सोचने के तरीके हैं और जो हमारी हैबिट्स हैं वो पक्की हो चुकी होती हैं। इसलिए वो अग्रेशन और वो गुस्सा, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि जी अगर बच्चे में स्टार्ट से है तो वही रवैये उसकी नौजवानी के अंदर भी और जवानी के अंदर भी परसिस्ट करते हैं और वो आगे चलकर एक और जनरेशन को ख़राब कर देते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा कि अगर देखा जाए यानी हसास टाइम कौन सा होता है जिस पर माँ बाप को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो आप पर्सनालिटी की बात करें, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है एक अच्छी पर्सनालिटी उसकी हो, वो जो चाहते हैं वो कुछ ना हो, पूरी कंप्लीट ना हो लेकिन 90% कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसमें वो गुण हो। तो ऐसे में क्या हसास टाइम है, तब तक माँ बाप की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है वो एडोलेसेंस और टीनेजेस का टाइम है, क्योंकि एक चीज़ कही जाती है कि एडोलेसेंस और जो टीनेजेस है ना, जिस तरह लड़कपन जिसको हम कहते हैं कि जो 11 साल से बड़ी उम्र के बच्चे जब होना शुरू हो जाते हैं तो उनमें एक नेचुरली डिफाइंस आती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंस मांग रहे होते हैं और उस इंडिपेंडेंस के चक्कर में कई दफ़ा वो ऐसे रवैये या ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं जो उनके नज़र में तो ठीक होती हैं क्योंकि एक्सपीरियंस कम होता है उनका, लेकिन जो पेरेंट्स हैं या उनके जो केयर टेकर्स हैं या गार्डियंस हैं उनकी नज़र में क्योंकि उन्होंने देखा होता है वो रवैये अच्छे नहीं होते। अब अक्सर जब वो क्लैशेस इस एज में जाके डेवलप होना शुरू होते हैं पेरेंट्स या गार्डियंस के बच्चों के दरमियान में और यहाँ पर आके रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू होता है, हम उस चीज़ को मैनेज करने के बजाय उस चीज़ को और हवा देते हैं। किस तरह के हार्श हो के उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा के उनको मार के, अब इस उम्र की जो मारपीट है या जो पाबंदियाँ वो लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट डालती हैं बच्चे के ऊपर क्योंकि वो फिर बदजन हो जाते हैं आपसे, उनके अंदर फिर एक नेचुरल बगावत आ जाती है। अच्छा सर, ये जो बगावत वाला आपने वर्ड यूज़ किया ये एग्जैक्टली डिपेक्ट करता है आज की सिचुएशन को कि आजकल बच्चे, चूँकि ये देखने में एक प्रैक्टिस है ना कि आजकल के माँ बाप भी अपने बच्चों से डरते हैं बिकॉज या तो उनको थ्रेट करने के तरीके मुख्तलिफ हैं, बच्चा खाना नहीं खाता, या अगर हम 6 to 11 एज इस एज ग्रुप की बात करें तो इस बच्चे को भी अब टीवी देख देख के, स्क्रीन टाइम देख देख के, सोशल मीडिया देख देख के इस बात का अंदाज़ा है कि मैंने रिएक्ट कैसे करना है। उस रिएक्शंस को टैकल करना ये भी एक ट्रिकी टास्क है वालदैन के लिए कि हाउ टू रिएक्ट, अगर बच्चे ने एक्शन किया तो उसका रिएक्शन क्या देना है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितना सोचना चाहिए वालदैन को? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कही जाती है वो ये है कि
जो भी रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो सिचुएशन को काम डाउन नहीं करते बल्कि और बढ़ावा दे देते हैं, ट्रिगर करते हैं। बड़ी सिंपल सी मिसाल इसकी ऐसी है कि अगर आप रोड पर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी लग गई, आप भी बाहर निकल आए हैं, दूसरा बंदा भी बाहर निकल आया, अब आपने एक बात की, उसने एक बात की, और ये बैक एंड फोर्थ स्टार्ट हो गया, तो ये रिएक्शनरी बिहेवियर है। यस, तो रिएक्शनरी बिहेवियर नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं एक बिहेवियर लॉजिकल अडॉप्ट करना चाहिए। अब उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इमोशनल रिस्पॉन्स को पहले कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर लॉजिक किक इन करती है। अमूमन आपकी अगर बात किसी ने नहीं मानी या कोई आपके साथ बहस करना शुरू हो गया, वो बच्चा है या बड़ा है या कोई भी है, तो पहला रिस्पॉन्स हमारे अंदर इरिटेबिलिटी का आता है, गुस्से का आता है। अब अगर हम उस इमोशनल रिस्पॉन्स के अंदर रिएक्ट कर जाएंगे तो हम गुस्सा ही करेंगे, या वो वर्बल फॉर्म में होगा या फिजिकल फॉर्म में होगा। बड़ा ज़रूरी है कि उस इमोशनल रिस्पॉन्स को पहले टैकल किया जाए। वो कैसे कर सकते हैं, उसका बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एक स्टेप बैक ले लें, कि उस टाइम पर रिस्पॉन्ड ना करें, अपनी जगह चेंज कर लें, दो तीन लंबे गहरे सांस ले लें, एक पानी का ग्लास पी लें, ताकि आप पहले खुद काम डाउन हो जाएं, उसके बाद उस चीज़ को टेकअप कर लें। एक्शन के रिएक्शन कभी फौरी नहीं देना चाहिए। Exactly. और बच्चों के लिए तो बड़ा कॉमनली एक चीज़ यूज़ की जाती है कि अगर बच्चे ने कोई गलत हरकत कर भी दिया ना, तो बजाय इसके कि उसी वक्त और सबके सामने उसको डांटने की, उस रवैये को नोट डाउन कर लें, और जब किसी ऐसे टाइम पे कि जब बच्चा भी काम डाउन हो और आप भी काम डाउन हो, अकेले बिठा के उसको समझा दें, ताकि उसकी फॉल आउट ना है उसका फिर। क्योंकि वो जाहिर बात है, जब आपने किसी के सामने बात कर दी तो ह्यूमिलिएशन भी होगी, उसकी इंटेग्रिटी को भी डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, उसके इस मामले में बहुत सेंसिटिव है, मुझे सबके सामने क्यों डांटे। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि वो जिस तरह हम हैं, हमें अगर बॉस चार लोगों के सामने डांट देगा तो उसका इम्पैक्ट और आएगा, और अगर वो अकेले में बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और आएगा। बच्चे भी इसी तरह। और दूसरी, जो आपने खुद बात की कि क्योंकि सोशल मीडिया से या टीवी के यूज़ से या मोबाइल फ़ोन के यूज़ से बच्चे अर्ली मैच्योरिटी की तरफ आ चुके हैं आजकल, ठीक है, और उस चीज़ को बड़ा कामली और कंपोज होकर टैकल करना चाहिए, ताकि रवैये ना ख़राब हो उनके। ठीक है डॉक्टर नुमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, बड़ी अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे इस हवाले से। लेकिन मार नहीं प्यार, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जब से चलता आ रहा है और आज के दिन तक, इससे बेहतर कोई फॉर्मूला है नहीं। इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। आई नो कि सिचुएशन बाजूकत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन एक वाहिद चीज़ है जिसे आप किसी भी वक्त बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं, अगर आप प्यार से समझाएंगे तो यकीन वो ज़रूर समझेगा। अब हमने लेनी आपसे इजाज़त, कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और चूँकि रमज़ान का महीना है तो इर्द गिर्द देखें, जिन्हें आपकी ज़रूरत है उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।